इस दफा भी परफॉर्म करते वक्त हमें ढाई खुशी है। खुशी इसलिए है सबसे पहले तो कि हम सिंध की धरती पे आए हैं और सिंध के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी खुशी इस बात की है कि अगरचे पैराग्राफ 66 में को थोड़ा सा मसला है, मगर जो आर्टिकल 6 पे पाकिस्तान की अदालत ने फैसला किया है वो भी माने खेज और तारीखी है, क्योंकि हमारे तकरीबन क्योंकि ये बैंड तो आपको पता है बना ही तब था कि जब मुशर्रफ आमरियत का दौर था, और मैंने और मेरी टीम ने, मेरी वाइफ ने, माविश वकार और हम सब ने मिलकर तकरीबन 8 साल अपने जिंदगी के दिए इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान के अंदर से फौजी आमरियत खत्म हो। तो ऐसा कोई भी फैसला जिसके नतीजे में आइंदा कोई फौजी आमिर ये बात समझे कि वो समाजी ताल्लुक, वो समाजी रिश्ता, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो बयानिया जो हमने मिलकर तय किया है, वो आईन जो हमने मिलकर तय किया है, उसको कोई फर्द अगर जोरे बाजू गिराने की कोशिश करे तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं अपने हकूक को डिफेंड, अपने जमहूरी हकूक को डिफेंड करना जानती है। जो गीत उस वक्त मैंने लिखा था, कंपोज किया था, उसी से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वो मेरी एल्बम, पहली एल्बम का गीत भी था। मुसाफरी
गए शब से। अबे उम्मीद सागर की बार, उम्मीद सागर की बार, उम्मीद सागर की बार, उम्मीद सागर की बार, उम्मीद